No, how was the exhibition? Well, Hindi or English firstly? Hindi or English? As I wish. Okay. What are the channels? Metro, Bumble, what? I'm just saying Hindi or English. She's saying anything will do. English, All right. Well, firstly, मुझे आर्ट का बहुत शौक है. मेरे घर में अनेक कलाकार, अनेक अमेजिंग आर्टिस्ट के क्रिएशंस मेरे सारे दीवालों पर है. इनफैक्ट मिस्टर बेंद्रे के एक बहुत ही खास पेंटिंग ऑलरेडी है मेरे घर पे. आई लव हिज वर्क, आई लव हिज स्टाइल. हमेशा जब भी मैं उनके आर्ट को देखती तो एक अलग कहानी जो है उसमें से निकल आती है. Of course, talent is God given, they say, but you know, after all, it's something that man has to put forward and put forth. And the way that Bendra ji puts it forward onto canvas and the way he expresses himself through his paintings and art is amazing. मुझे तो बहुत शौक है पेंटिंग का, लेकिन खुद नहीं पेंट कर सकती, इसलिए इतना अप्रिशिएट करती हूँ जब लोग इतने इतने टैलेंटेड हैं. नहीं, ये एग्जीबिशन जो मैं कर रहा हूँ अभी वो मेरे लिए एक लंबी जर्नी है. हर जर्नी में जैसे कोई ट्रैवल कर रहा है तो नया नया कुछ सीख रहा है, नया नया कुछ देख रहा है, नया नया कुछ कर रहा है. उस हिसाब से मेरे ये अभी रिट्रोस्पेक्टिव एग्जीबिशन है, जो मैंने कहाँ से चालू किया था, कहाँ से मैं अभी एंड कर रहा हूँ और इसको आगे कैसे बढ़ाऊँ, ये सब मेरे प्रयत्न चालू हैं. जैसे यहाँ पर आए हैं तो मुझे इतना खुश हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मेरा भी पेंटिंग है. कोई बहुत अच्छे घर में कोई जा रहा है उसके लिए मैं बहुत खुशी हूँ, मैं बहुत प्राउड हूँ कि भाई मेरा कुछ क्रिएशन है कि पूजा दीदी के घर जा रहा है. हाँ, नहीं, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी. वेरी इंटरेस्टिंग कहानी है, सब कुछ बहुत अच्छा है और I'm very proud. I'm very proud to be here. I'm very proud to be here. मैं मैं बेंद्र जी से कहूँगी कि प्लीज़ बेंद्र जी मेरी मेरे पिक्चर की एक वो सीन जो है जिसमें मेरा लाल ड्रेस उड़ता है उसके ऊपर एक आर्ट वर्क जरूर कीजिए. जरूर 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 पहला नशा मोमेंट डज दे कॉल इन एक्चुअली मेरे नेक्स्ट एग्जीबिशन में मैं वही करूंगा. मैं फ्लाइंग ड्रेस नजर आएगा एक्चुअली यू नो एक एक आर्टिस्ट जब कुछ क्रिएट करते हैं, जब वो एक आर्ट पीस या आर्ट वर्क या स्कल्पचर या पेंटिंग उस पर इतना वक्त लगाते हैं, इतनी मेहनत है, इतनी सोच है, इतनी एक्सप्रेशन है उसमें, तो आर्टिस्ट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि किस घर में वो पेंटिंग जाता है, क्योंकि वो उनका ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है जो कि किसी के घर पर जा रहा है. सो आई थिंक आर्टिस्ट ऑल्सो बहुत खुश हो जाते हैं जब वैसे लोग आके आर्ट खरीदते हैं जो कि वो आर्ट पीस को इतना ट्रेजर करते हैं, इतना वैल्यू करते हैं, अपने दीवार पे देख के रोज़ खुश हो जाते हैं, स्माइल करते हैं, उसकी अच्छी ट्रीटमेंट देते हैं, यू नो. सो आई थिंक दीस थिंग्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन आर्टिस्ट, नॉट जस्ट टू क्रिएट इट बट टू नो कि एक अच्छे घर में जा चुका है. मुझे अगर पेंटिंग यू नो मुझे पेंटिंग करना नहीं आता था, इसलिए मैंने एक आर्टिस्ट को कमीशन किया था मेरी माँ का पेंटिंग बनाने के लिए. क्योंकि जो है सो है, हम रोज़ उनको देखते हैं लेकिन जो गुजर गए हैं तो उनकी याद बहुत आती है. और जब एक आर्टिस्ट उनको एक्सप्रेस करते हैं इतने ब्यूटीफुली कैनवस पे डाल के या एक चाकोल में बनाकर, तो मुझे इतनी खुशी होती है एक ये देखे कि किसी ने इतना वक्त गुजार के, इतनी मेहनत डाल के मेरी मम्मी का एक इतना खूबसूरत पेंटिंग बनाया था. बिल्कुल. वेल, एक पूरा एक्सप्रेशन होता है ना, क्योंकि जब कोई एक पेंटिंग क्रिएट करता है, जैसे बेंद्र जी हम शो बताएंगे आपको कि पहले एक इंस्पिरेशन आती है जो कि इट्स नॉट इवन द माइंड, इट इज़ जस्ट इंस्पिरेशन जो गॉड गिवन होता है. फिर उसके बाद अपना माइंड उसको यूज़ करता है, फिल्टर करता है, लॉजिकल बनाता है, फिर उसका एक एक्सप्रेशन होता है जो कि फिजिकली आप उसको एक्सप्रेस करते हो ऑन अ पीस ऑफ पेपर और ऑन कैनवस और ऑन क्लॉथ और वट एवर मीडियम यू चूज. सो यू नो इट्स अ जर्नी जो ऊपर से शुरू होता है एंड एंड में धरती पे एक्सप्रेस हो जाता है. Hmm.
इट इज़ एंड हर एक आर्टिस्ट का अपना अपना स्टाइल होता है विच इज़ सो लवली. आप अगर अलग अलग आर्टिस्ट को देखे दे ऑलवेज स्टिक विद अ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ आर्ट जो कि उनके लिए एक कनेक्शन है. वो कनेक्ट हो जाते हैं वो मीडियम से एंड वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि जितना वो एक्सप्रेस करते हर पीस जो है इतना अलग आ जाता है. इट्स नेवर यू सी पीस ऑफ आर्ट इन दैट इट लुक्स द सेम. इट्स ऑल्सो डिफरेंट. बिंदु जी की आर्ट इतनी फैसिनेटिंग है क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है लेकिन अगर आप दूर से देखें तो कुछ और ही हो जाता है. आप इतने पास से आए हो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा कि ये एक एक्चुअली चेहरा है. आप दूर जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये दो जो है आँख है ये नाक है. जब आप दूर जाएंगे तो आपको नजर आएगा, जब आप पास आएंगे तो नहीं नजर आएगा. तो इट्स रियली इंटरेस्टिंग हाउ यू प्ले विद फॉर्म एंड प्ले विद कलर एंड प्ले विद विजुअल्स. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. वेलकम.